पापा मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएंगे? पापा, पापा, डॉक्टर प्लीज घर आ जाइए। लगभग दो घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। अगर रात को ही मुझे खबर कर दी होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। इनकी रिपोर्ट बना दीजिए। ठीक है। गीता मैडम। हेलो मैडम। ममता, आज मैं फर्स्ट हाफ में नहीं आऊंगी। ठीक है मैडम। ओके। पिताजी बीमार है क्या? मेरे पिताजी गुजर गए। मैं साथ चलूं? कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी। आप चलिए, मैं पीछे आती हूँ। ठीक है। अरे अरे, अभी बॉडी को नीचे मत रखो। माओ, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? बहन जी, आप अंदर नहीं आ सकती। ऐसी जगह पर औरतों का आना मना है। मुझे रास्ता दो। लंच ब्रेक में सारा स्टाफ प्रिंसिपल के घर जा रहा है उनसे मिलने, हमें भी चलना चाहिए ना। ठीक है। ए, वहां देख, इसके बाप को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और ये स्कूल चली आई। बड़ी अजीब औरत है ना, इसका दिल पत्थर का है। फेवरेट करी बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब कल तुम अपना मनपसंद वाला पुलाव बनाना, मुझे लगेगा मैंने खाया। बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। हाँ, इसलिए अब अपने पापा की सुनो, आंखें बंद करो, अब जोर से सांस लो। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, बाय बेटा। I love you, Papa.
स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए तैयार हैं? इन आंसुओं को मत रोको बेटी, इनका बह जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सर, जैसा आपने कहा था, हमने आपके साले का मामला सेट कर दिया, अभी सब ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है। ससुर जी, क्या हुआ? अपना काम हो गया है। जैसा आपने कहा था वैसा ही। कल उनमें से एक भी लड़का एग्जाम नहीं दे पाएगा। बहुत अच्छा। बच्चे, तुम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हो, तुम्हें बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यहां एक साल हो चुका है और मैंने कोई काम नहीं किया। इसने कोई काम नहीं किया? मैंने आप पर पढ़ने के लिए दबाव डाला और टीचर्स पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप पास होते हैं तो आपकी मेहनत होगी और कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। आपके स्कूल के कुछ टीचर्स 100 रुपए देंगे उन बच्चों को जो उनकी बुक्स को पूरी पढ़कर फिनिश करके दिखाएगा। ये कमाल का जज्बा है, किताबें सोसाइटी को बदल सकती हैं। जहां तक प्रैक्टिकल स्किल्स की बात है तो उसमें कुछ लोगों ने कमाल कर दिखाया है। मैथ्स के पूरे फॉर्मूले को एक गाने में बदल कर दिखाना, ये सिर्फ एक पैशन है। सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स बहुत कम हैं। टेक्नोलॉजी के बावजूद आप लोग पीछे रह गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल के 1% भी बच्चे नहीं जा पाते। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% से भी कम जा पाते हैं वो बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। एजुकेशन के लिए उन्हें सिर्फ 50% रिजर्वेशन दे दें तो इस गरीबी को मिटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती सरकार कौन सी गरीबी मिटा रही है। ये तो वही जाने। हालात ऐसे हैं तो सोचिए ये लड़ाई कितनी आगे तक जाएगी। आपके स्कोर्स के हिसाब से ही दुनिया आपको आंकेगी। जिस तरह इस दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही टैलेंट भी अलग अलग होते हैं। अपने टैलेंट को ढूंढकर आगे बढ़िए। सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल एग्जाम नहीं दे सकते। कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। कितने पेपर्स आए हैं? मुझे पता नहीं है मैडम। एग्जाम के बाद मिलते हैं। ये आगे पास करो। पास करो। सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना? रोल नंबर लिखो।
मैडम प्लीज जरा हटिए, पहले ही लेट हो चुका हूँ। सभी लोग बैठ जाओ, ये उसे पास कर दो। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए सबको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ ठीक है। और ससुर जी, जीत की खुशी मना रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं, जल्दी कोर्ट जा। ऐसा कैसे हो गया? बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल एग्जाम नहीं दे सकते। डैड, प्रिंसिपल का फोन है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद चाहिए? हाँ प्लीज बताइए ना। 9th के बच्चों के एग्जाम में कुछ दिक्कत आ गई है। आपको मंत्री जी से बात करनी होगी। ऑफिसर्स मंत्री के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। आपके रिक्वेस्ट को मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं उससे 7 साल बाद बात करूंगा, और वो भी सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। ससुर जी, क्या हुआ? हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला, उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ा दी। ठीक नहीं हुआ, हम हार जाएंगे समर वैकेशन के बाद। बिल्कुल नहीं, ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि जजमेंट अपने फेवर में ही आएगा। आप फिकर मत कीजिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। नमस्ते प्रिंसिपल जी, कैसे हैं आप? सोचा आपके घर पर मुलाकात करूं, लेकिन दुख की बात है कि आपके पिताजी नहीं रहे। तो मुझे चाय कौन देगा? आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मुझ जैसे आलसी को आपने मेहनती बना दिया और मुझे बड़ा सबक सिखाया और मेरी बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। जब अगले साल स्कूल खुलेगा तो सिर्फ आप ही नहीं, वो स्टूडेंट जिन्हें आपने क्लियर किया स्कूल के अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। लोगों के लिए काम करने की बजाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे लिए काम करते हैं। अब मैं चलता हूं।